शादी की बात की जाए तो हर किसी का ख्वाब होता है कि इसका वलीमा फंक्शन बाकियों से बहुत ही मुख्तलिफ होना चाहिए और बड़े से बड़ा होना चाहिए। हर कोई चाह रहा होता है कि इसकी शादी में ज़्यादा से ज़्यादा डिशेज हों। बहुत बड़ी शादी हो और खाने में फ्राई फिश ना हो तो खाना भी अधूरा सा लगता है। फिश की बोटियों को एक एक करके उठाना फिर फ्राई करना वो भी बहुत मुश्किल होता है। आटा भी मनों के हिसाब से गूंदा जाता है। 2-3 बंदे सारा दिन आटा गूंदते रहते हैं। रोटियां पकाने के लिए भी अलग-अलग से इंतज़ाम किया जाता है और हज़ारों के हिसाब से रोटी पकाई जाती है। इस तरह के फंक्शन को मैनेज करने के लिए भी काफ़ी बंदों की ज़रूरत पड़ती है। मेहमानों को वेलकम करने के लिए ढोल और बीन वाले भी बुलाए जाते हैं जो हर आने वाले का पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। शादी के खाने में मीठे की डिश ना हो तो समझ लें ये शादी ही मुकम्मल नहीं हुई। मेवों से लदे हुए स्वीट राइस हलाए जा रहे हैं।